नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे महान व्यक्ति की बात करूंगा जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक हीरो की डेफिनेशन को बदल के रख दिया। इनके आने से पहले बॉलीवुड हीरो मतलब एक हट्टा गट्टा गोरे रंग का और अच्छी खासी कद काठी का एक एक्टर। लेकिन इन तीनों में से कुछ ना होने के बावजूद भी इन्होंने अपने टैलेंट के दम पर खुद की पहचान बनाई। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेल्फ मेड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की, जिन्होंने सही मायनों में ये साबित किया कि मुश्किलें बहुत मिलेंगी रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक काफी है मंजिल को पाने के लिए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 19 मई 1974 से, जब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म हुआ। नवाज अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं और उन्होंने अपना ज्यादातर बचपन उत्तराखंड में गुजारा। गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय हरिद्वार से उन्होंने केमिस्ट्री में बीएससी पूरी की और एक साल बड़ौदा में केमिस्ट के तौर पर काम किया। इसके बाद एक नए काम की तलाश में नवाज दिल्ली आए। दिल्ली में एक थिएटर प्ले को देखने के बाद नवाज एक्टिंग की तरफ आकर्षित हुए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के एडमिशन क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ कई प्लेज में काम किया। उन दिनों दिल्ली में रहने के लिए नवाज ने एक वॉचमैन की नौकरी की, जिससे उन्हें हर महीने 500 रुपए मिल जाते थे। साल 1999 में उन्होंने एनएसडी से ग्रेजुएशन पूरी की और वो मुंबई चले आए। नवाज टीवी सीरियल से अपने करियर की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन हर कोई उन्हें रिजेक्ट कर देता था। एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने तो उन्हें ये तक कह दिया कि अगर तुम्हें शो में ले लिया तो दो एक्स्ट्रा लाइट्स तो तुम पे ही लगानी पड़ेंगी, क्योंकि तुम इतने काले हो। इसी तरह नवाज को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते रहे। एक दिन सरफरोश मूवी में एक सीन के लिए उनके एक दोस्त को सिलेक्ट किया गया, लेकिन शूटिंग के दिन वो वहां मौजूद नहीं था, इसलिए नवाज को वो रोल ऑफर किया गया और इस तरह नवाज ने पहली बार किसी फिल्म में काम किया। उन दिनों नवाज के पास पैसों की कमी थी, इसलिए वो अपने एनएसडी सीनियर्स के रूम का सारा काम करके उनके साथ रहते थे। अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने शूल, जंगल और मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स किए। साल 2007 में आई फिल्म ब्लैक फ्राइडे में भी नवाज ने एक छोटा सा रोल प्ले किया और ये फिल्म गोल्डन लेपर्ड के लिए नॉमिनी बनी। साल 2010 में आई फिल्म पीपली लाइफ के बाद नवाजुद्दीन लोगों की नजरों में आने लगे। साल 2012 में आई फिल्म पतंग द काइट को बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया गया। फिल्म क्रिटिक रॉजर इबर्ट ने नवाजुद्दीन की एक्टिंग की खूब तारीफ की और उन्हें थम्सअप ट्रॉफी से नवाजा गया। इसके बाद कहानी गैंग्स ऑफ वासीपुर 1, गैंग्स ऑफ वासीपुर 2, द लंच बॉक्स, तलाश और किक जैसी मूवीज की वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। द लंच बॉक्स इस मूवी के लिए उन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल में भी सम्मानित किया गया। बजरंगी भाईजान, मांझी द माउंटेन मैन, रईस, ठाकरे, हाउसफुल 4 और सीरियस मैन जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों में उन्होंने काम किया। सेक्रेड गेम्स, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लीड रोल प्ले किया, इंडिया की पहली सबसे पॉपुलर वेब सीरीज बनी। सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उन्हें हाईएस्ट ऑनररी अवार्ड द लेस्ले हो एशियन फिल्म टैलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात करें उनके पर्सनल लाइफ की तो साल 2009 में उन्होंने शादी की। उनकी पत्नी का नाम आलिया, बेटे का नाम यानी और बेटी का नाम शोरा है। साल 2017 में उनकी ऑटोबायोग्राफी एन ऑर्डिनरी लाइफ अ मेमोर को रिलीज किया गया। जो इंसान कभी हर महीने 500 रुपए के लिए एक वॉचमैन की नौकरी करता था, आज वही इंसान इंडिया के सबसे लोकप्रिय एक्टर्स में से एक है। दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सक्सेस स्टोरी काफी यूनिक है। जहां बाकी के एक्टर्स किसी एक फिल्म के बाद अचानक पॉपुलर बन जाते हैं, तो वहीं नवाज की पॉपुलैरिटी हर फिल्म के साथ धीरे धीरे बढ़ती गई और आज वो काफी पॉपुलर हैं। इतनी लोकप्रियता प्राप्त करने के बावजूद भी नवाज काफी विनम्र हैं। वो आज भी अपने गांव में खेती का काम करना पसंद करते हैं। आप नवाज की जीवन कहानी से एक बात तो जरूर सीख सकते हैं कि भले ही कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, मगर अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।